बताया कि सानहे साहिवाल ऑपरेशन में शामिल सीटीडी एहलकारों की शनाख्त परेड आज होगी, जबकि जराए के मुताबिक जेआईटी अरकान एहलकारों की शनाख्त परेड के लिए साहिवाल में मौजूद हैं। मुलजिमान की शनाख्त के लिए मुकदमे के मद्दई ऐनी शाहिदीन को तलब किया गया है, इस बारे में मुजाहिद शेख हमें बताएंगे। मुजाहिद शेख बताइए, जो सानिया साहिवाल था उसमें ऑपरेशन में शामिल जो सीटीडी के एहलकार थे उनकी शनाख्त परेड आज की जानी है साहिवाल में, और जेआईटी के मेम्बरान जो है शनाख्त परेड के लिए साहिवाल में मौजूद है, और मुलजमान की शनाख्त के लिए मुकदमे के मुदई और ऐनी शाहिदीन को वहां पर बुलवाया गया है। लेकिन और हिरासत में लिए जाने वाले जो 6 मुलजमान बताए जाते हैं ज़राए के मुताबिक, उनको पहचानने का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन खलील के भाई जो है वो कायमा कमेटी से मुलाकात के लिए और निशान की वालदा और भाई जो है वो इस्लामाबाद चले गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी मुकदमे में और मुदई को और ऐनी शाहिदीन जो थे जिनमें बच्चे भी शामिल हैं उन्हें साहिवाल बुलाया गया था, लेकिन वो जेआईटी के सामने पेश नहीं हो सके। लेकिन खलील के खानदान और निशान के जो भाई हैं उनकी जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा जो है वो सामने अब आया है, और उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उस पर भी कल रात जो मीडिया से गुफ्तगू की थी उस पर काफी तनकीद की है। इससे ये जाहिर होता है कि वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हो। उनको भी आज तलब किया गया है। मुजाहिद शेख बहुत शुक्रिया आपका।